ले जनाब गैस, सफर स्टार्ट होने वाला है। पैकिंग हो गई है, दो बैग रेडी हैं, तो यहाँ से बस अभी चलते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट। तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट के बाद आपने बताना कि मेरा आगे ट्रैवल किस कंट्री में जा रहा है, तो आगे किस कंट्री में और किस सिटी में जाना मैंने। तो रहें साथ साथ, कहीं नहीं जाना, अपने व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो फिर आपने साथ रहना। M62 मोटरवे, यहाँ से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव है। मौसम चेक करें, क्या ज़बरदस्त मौसम हुआ है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताना बस कि मैं आगे कौन सी कंट्री जा रहा हूँ, ये इसलिए वो कैसी है बस आपकी तरफ से। आप ये देखें बस, माशाल्लाह मौसम क्या बात है। बस आप साथ साथ रहें तो आपको इंजॉय कराते रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में, कौन कौन सी सिटी में, तो क्या क्या खाने खाए जाते हैं, सब आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। मौसम आपके सामने है जनाब, देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। सीधी रोड मैनचेस्टर जाती है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट। चेक करें क्या जबरदस्त किस्म के नजारे आ रहे हैं। सब एक मोटरवे M1 जो लंदन की तरफ जाती है, ये M62 है जो मैनचेस्टर की तरफ जाती है। तो रहे साथ साथ, फिर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंच के आपसे रابطہ करते हैं। तो साथ रहना, जाना कहीं नहीं आपने। बड़े जबरदस्त हो गए हैं, किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। ये देखें, जून का महीना है और डेट है 27, और गर्मी का नामो निशान नहीं। मौसम देखें और क्या खूबसूरत नजारे हैं, माशाल्लाह। ये जो जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, ये पूरे यूरोप की सबसे हाईएस्ट जगह है, पूरे यूरोप की, यूके की नहीं, पूरे यूरोप की सबसे ऊंचाई में ये जगह आ जाती है। थोड़ा सा भी आगे हम जाएंगे तो समझते वहाँ पे धुंध पड़ी होती है, क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट मोटरवे पे गिनी जाती है जगह। ये चेक करें जनाब, इस पर लिखा है उन्होंने कहता गुजर गया कि हम लोग भी थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं। ये जो जगह है ना, एग्जैक्ट जगह जिस जगह पे आप पहुंचे हैं, सबसे हाईएस्ट लोकेशन में आती है। ये पुल है बेसिकली, तो बहुत ऊंचाई पे है। देखना पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं, टर्मिनल 2 मैनचेस्टर एयरपोर्ट। सामान हाथ में है जनाब, क्यों चेक करें जरा। अभी मेरी जो एयरलाइन है वो कतर एयरवेज है, और क्यों देखें आप, फ्लाइट मेरी 9:30 की है, और मगर आप क्यों चेक करें। देखें जी, मैनचेस्टर एयरपोर्ट डिपार्चर, अभी वो जाके चेक करते हैं वहाँ पे। किधर ही मैं देख लो कि ये मेरी जाने वाली क्यू यही है कि कहीं डिफरेंट तो नहीं है। और इस लंबी क्यू है यार, कसम से। ले जनाब, सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, सामान सारा क्लियर हो गया है, जो लगेज बुक करने वाला था वो लगेज बुक हो गया है। ये मेरा जो हैंड कैरी है मेरे हाथ में है जनाब, तो बस अभी हम जाएंगे। वो देखें, वो सामने वो प्लेन लगा हुआ है सामने जनाब हमारा, वो देखें कतर एयरवेज। तो यहाँ से जा रहे हैं जनाब पहले दोहा, तो नेक्स्ट फ्लाइट आपको दोहा से बताएंगे, यहाँ से दोहा और दोहा से कहाँ जाना है वो दोहा जाके पता चलेगा। तो चेक करें जनाब, वेदर क्या ज़बरदस्त हुआ है। सिक्योरिटी के लिए रिक्शे से ईजीली हो गई थी, कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर, यहाँ तक कि मेरे तो उन्होंने शूज़ भी नहीं उतरवाए, क्योंकि मेरे शूज़ में
कोई वो क्या कहते हैं मेटल की कोई चीज़ लगी नहीं हुई थी जिसकी वजह से शूज़ उतरवाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अभी ये टर्मिनल सारा नया बना है इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम इस टर्मिनल से जा रहा हूँ। ये चेक करें यहाँ से अभी हम एक्सीलेटर से ऊपर चलेंगे। तो ये देखें जनाब बड़ा मज़ा आता है एक ही बस है अकेले आदमी हो तो आराम से जना बाकी सामान बुक हो जाए तो इन्जॉय करता बंदा आगे पीछे कहीं मूव करने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट बना जी, बड़ा ज़बरदस्त टर्मिनल बनाया इन्होंने, ये टर्मिनल 2 है। ज़बरदस्त बेहतरीन, क्या बात है जी। अच्छा आ गया जी मैनचेस्टर हमारा, चेक करें जनाब मेरी फेवरेट कोस्टा भी इधर है, अगर अभी बंद हुई भी पता नहीं क्यों बंद हुई है। तो ये है जनाब ड्यूटी फ्री शॉप मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहले आई थिंक इस साइड से आते होते थे हम लोग, तो अभी थोड़ा डिफरेंट वे बना दिए, टोटली डिफरेंट है। ये करेंसी एक्सचेंज और ये डब्ल्यू एस स्मिथ, और ये देखें यहाँ से परफ्यूम शरफ्यूम के ज़रा मामला स्टार्ट होंगे ना जनाब। अभी बेसिकली ये देखें ना क्लोज़ किया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे 5 o'clock होगा, मगर यार 24 आवर होना चाहिए एयरपोर्ट के अंदर, तो सारी शॉप्स ओपन होनी चाहिए 24 आवर के लिए। देखें जनाब ये सारा घोरों का सिस्टम अल्कोहल, तो ये परफ्यूम शरफ्यूम के मामला इधर हैं सारे। देखें कोई तो परफ्यूम लगाना पड़ेगा ना जी, कौन सा लगाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है, लगा के चेक करते हैं। टॉम फोर्ड, टॉम फोर्ड किधर है जी, टॉम फोर्ड, टॉम फोर्ड बड़ा ज़रा ये है टॉम फोर्ड, ये देखें ना ये चेक करते हैं, बहुत स्पाइसी और मेरा फेवरेट है टॉम फोर्ड। ये देखें इसकी लॉन्ग लिस्टिंग है, इसकी जो परफ्यूम की जो टाइमिंग है ना, तो आप ये समझ लें कि काफ़ी टाइम तक समझ लें 24 आवर तक ये खुशबू आती रहेगी। अब बस कोई और परफ्यूम नहीं लगाना, फिर मिक्स काम हो जाए ना तो फिर मज़ेदार काम नहीं है, एक ही परफ्यूम काफ़ी है यार। ज़बरदस्त यार, बड़ा अच्छा बना दिया इन्होंने, ये बेसिकली सारा एरिया ही न्यू है। ये देखें जनाब ये ऑल गेट्स के साइन इधर है, तो यहाँ से जनाब यानी पहले इमिग्रेशन क्लियर की, उसके बाद लगेज क्लियर किया, फिर ड्यूटी फ्री शॉप से गुजर के या फिर ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर से गुजर रहे हैं हम लोग। ये पूरा सेक्शन ही इन्होंने नया बना दिया है, सब शॉप्स नहीं है। देखें ना सारा फूड कोर्ट आ गया यहाँ पे, खाने पीने की चीजें। बेसिकली अभी हमारा गेट नहीं लगा क्योंकि अभी टाइमिंग काफ़ी है इसको लगने में, इसलिए उस पर नंबर नहीं आ रहा कि कौन से गेट नंबर पे जाना है हमने। अभी सिर्फ वेट करेंगे, आई थिंक आफ्टर 1 or 2 आवर के बाद जो है ना वो गेट का बता देंगे जी किस गेट पे हमें जाना चाहिए, वहाँ से हमारा जहाज़ लगा होगा वहाँ से हम बैठेंगे। वाह जी वाह, ये तो स्मूदी वगैरह के लिए वाले आ गए, स्मूदी वाले चेक करें ज़रा, पिंक पिंक मामला हुआ सारा क्योंकि स्मूदी मिलेंगी यहाँ से। अच्छा ये आप चेक कर रहे हैं, ये सारे बेंच इन्होंने नए लगाए हैं, ये लकड़ी के हैं, चेक करें क्या ज़बरदस्त वाजी हुआ बाहर एयरपोर्ट सारा, वो जहाज बेसिकली जहाज़ वो खड़ा हुआ हमारा, अभी तो बैठते हैं तो थोड़ा वेट करते हैं, यस तो फिर पता लगेगा कुछ देर तक कि कौन सा गेट लगता है हमारा, किस गेट के थ्रू हमने जहाज़ में जा बैठना है। तो साथ साथ रहें कतर तक, और कतर के आगे कहाँ जाएंगे वहाँ तक भी। ये देखें जी ये है जी मेरा प्लान जिस पे अभी ट्रैवल करेंगे, सामान लोड हो रहा है इसमें भी, देखें इसमें किसी ना किसी बॉक्स में मेरा सामान भी होगा। ओह
बहुत बिजी हुआ है एयरपोर्ट इस टाइम, काफ़ी ट्रैवलर जा रहे हैं। सारा बिजी देखना कितना ठीक ठाक किसी का बिजी हुआ है। देखें जी यही लगा हुआ जहाज हमारा, यहाँ पे अभी अपना बोर्डिंग कार्ड शो करवाएंगे। 23J मेरी सीट है। यहाँ से जहाज स्टार्ट हो जाता है, जहाज का दरवाजा आ गया, यहाँ पे इसको अपना बोर्डिंग कार्ड शो करवाते हैं। बोर्डिंग कार्ड देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। 23 नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यहाँ से भी 23J सीट देखने कहाँ पे मिली। आ जो जी ये सारी तो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास भी अच्छी है जी इनकी, बड़ी ज़बरदस्त खुली खुली सीटें देखें, पूरी सोफे की तरह लेट जाए बंदा पूरा कम्प्लीट। हेलो 23, पता नहीं किधर जाना पड़ेगा पीछे तक, तो अच्छी सीट ही हो यार। जहाज बहुत बड़ा जी, ये आ गई है 19, आगे 20, 21, 22 एंड ये आगे 23J। इधर देखना जे कौन सी है, होए ये मिडल वाली है, देखो क्या बनता है। इसमें सामान रखते हैं ले जी, एक सेकंड तो बैठ गए। आगे मास्क पहनना ज़रूरी था, उन्होंने कहा जी रिक्वायरमेंट है मास्क ही पहनो, तो अभी फिलहाल तो अपने जहाज़ में बैठ गए। आगे ये 23J मेरी सीट है, तो चलें करते हैं शुरुआत इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट कंट्री मेरी है दोहा, दोहा से है, दोहा जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैनचेस्टर से दोहा ही जाना था फर्स्ट, तो नेक्स्ट कहाँ जाते हैं वो भी आपको बताएँगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।